होना है। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज शुरू करते हैं हम लोग एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। जब हम सब ने तीन चैप्टर पढ़ लिए, पहला डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जिसमें हमने फूड लिया और डाइजेस्ट करके सेल तक पहुंचाया, दूसरा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिसमें हमने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिया और सेल तक पहुंचाया, और तीसरा इनको दोनों को पहुंचाने वाला सर्कुलेटरी सिस्टम। जब सेल तक पहुंच गया सारा मटेरियल तो उसका यूज किया, उस यूज को कहते थे एसिमिलेशन। ठीक, एसिमिलेशन एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, यूज करना स्टोर करना, ऐसे एनाबॉलिक। अब उसमें कुछ तोड़ना हुआ तो कैटाबॉलिक भी हो जाएंगे, बट एसिमिलेशन का यूज ऑफ द मटेरियल चाहे जैसे किया जाए। तब हमने कार्बोहाइड्रेट लिया था, डाइजेशन में मोनोसैकेराइड बने थे ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज, फूड में फैट लिया था, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं इसमें फैट और ग्लिसरॉल बना था, ये हाइड्रोलिटिक प्रोसेस कहलाता है। डाइजेशन में पानी जरूर यूज होता है, यहाँ पर हर एक में वाटर यूज है एंजाइम में। प्रोटीन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की यूनिट, एमिनो एसिड थी, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोरस भी आ गया नाइट्रोजन के साथ, इसकी यूनिट शुगर बेस और फॉस्फेट था। एंजाइम यहाँ न्यूक्लियस थे, न्यूक्लियोटाइडेजेस थे, न्यूक्लियोसाइडेजेस थे। प्रोटीन के लिए पेप्सिन था, रेनिन था, ट्रिप्सिन था, काइमोट्रिप्सिन था, कार्बोक्सी पेप्टिडेज वो कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस और एमिनो पेप्टिडेजेस, ये सब थे। फैट के लिए एक अकेला लाइपेज, इसके लिए दो, एक एमाइलेज और दूसरे सुक्रेज माल्टेज लैक्टेज, दो स्टेप में थे। ये था हमारा सब, इनको हम लोग क्या कहेंगे, एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। वहां से क्वेश्चन का चैप्टर पहले से ले लोगे तो भी, और यहां से को तब भी, ये सब क्या थे बोलो, एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। और सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स थे। अब बेटा इनको एब्जॉर्ब किया गया, सेल तक पहुंच गए, ठीक, मेटाबॉलिक वेस्ट इनसाइड सेल। सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बनेगी और CO2 वाटर निकलना है, फैट से भी सोर्स ऑफ एनर्जी ही है, CO2 वाटर निकले, इन दोनों का वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। एमिनो एसिड में डीएमिनेशन होगा तो एमिनो ग्रुप बनेगा, ये टॉक्सिक होता है, तुरंत अगर माहौल मिल गया निकाल दो तो अमोनिया निकाल देंगे, अदरवाइज इस अमोनिया को यूरिया में बदलना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिए, चैप्टर इन्हीं चीज का है आज यला। ये डाइजेशन वाला था, CO2 बाहर निकाल देंगे ब्रीथिंग से, ये एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड जब वेस्ट बनाएगी तो बनेगा अमोनिया, अमीबा, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, सब पानी में है, सब पानी में है, टैडपोल लार्वा, फिशेस भी, सब पानी में है। जैसे अमोनिया बनी वैसे छोड़ दिया पानी में, तो वो हो गया अमोनोटेरिक। इन जिनको पानी नहीं मिला सीधे, अमोनिया टॉक्सिक है, CO2 इसमें का यूरिया बना लिया, थोड़े समय भी स्टोर कर लिया, हम लोग यूरिया बना लेंगे। जिनको और कम पानी मिला, ड्राई कंडीशन में है, डेजर्ट में है, उनमें यूरिक एसिड बनता है। क्या बनता है? यूरिक एसिड।
हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बनता है बेस से, यूरिन बेस से, उसका डिटेल यहाँ नहीं आपके यहाँ है। तो ये है हमारे वेस्ट मटेरियल्स। अब हम लोग बढ़े एक्सक्रीशन किसे कहते हैं, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जबकि CO2 भी निकालते हैं लेकिन वो नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं क्या बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन है, पीछे बताया हम लोगों ने थोड़ा बहुत, एनिमल्स एक्यूमुलेट करता है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, यही तीनों नाइट्रोजन कंटेनिंग एक्सक्रीटरी वेस्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस, ये कैसे इकट्ठा करता है बॉडी अपनी बॉडी में, दो तरह से, आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी या बाय एक्सेस इंजेशन। मतलब आपकी बॉडी में एक्सेस इंजेशन से भी चीजें पहुंच जाती है, मतलब खाने में नमक ज्यादा ना लो यार, एक्सेस हो गया तो निकालना पड़ेगा, बॉडी बर्दाश्त नहीं करेगी, निकालना पड़ेगा। ज्यादा नमक लोगे पसीना ज्यादा निकलेगा, कम नमक लो। ऋषि मुनि क्यों नहीं लेते थे नमक, रीजन है उसके पीछे, जबरदस्ती लिए जा रहे हो। आपकी बॉडी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखती, एलिमिनेट कर दी यूरिन के रास्ते निकाल देगी, इसे ज्यादा कुछ भी नहीं लेना। पानी कहते हैं खूब पिया करो भाई, ज्यादा पियोगे तो एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होगा तो किडनी पे लोड नहीं पड़ेगा, बताओ। अच्छा 10 लीटर पीते हैं डेली, काहे के लिए पीते हैं, साफ थोड़ी हो जाएगा, जब 2.5-3 लीटर जरूरत हो उतना बहुत है, रिक्वायरमेंट बॉडी की कितनी। फिर आपने पानी कौन सा पिया, ये देखने वाला विषय है, साफ है कि नहीं है, उसमें पैथोजन है, अब उसके वो ले ले बॉडी, आप क्यों लड़ेंगे उससे। आप ये देखिए ना, आइडियल कंडीशन में सारी चीजें आपको बताई जाती हैं, लेकिन आइडियली आइडियलिटी है कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में आइडियल गैसेस हैं क्या। जो सब मेजरमेंट हो 70 किलोग्राम के व्यक्ति का होना चाहिए और 21-22 साल का होना चाहिए तब निकालते हैं, और बिल्कुल हेल्दी हो, इवन उसको टेंशन भी ना हो, और रात में पिछली रात पूरी अच्छे तरह से सोया हो, अगले दिन टेस्ट दे रहा हो, है कोई ऐसा, उसे कह दो सुबह आपका टेस्ट होगा लो रात में सोएगा नहीं, तो ये आइडियल नहीं आता है ठहराओ। तो एक्सेस नहीं होना चाहिए, तो जो हम एक्यूमुलेट करते हैं ना इंजेक्शन से एज वेल एज मेटाबॉलिक वेस्ट दोनों तरह से, दीज सब्सटेंसेस हैव टू बी रिमूव्ड टोटली। आप समझिए हमारी किडनी में यूरिया स्टोर भी करते हैं, क्योंकि यूरिया स्टोर करने की जरूरत है कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए, अभी आगे बताएंगे। तो ये बात वहां जरूरत पड़ेगी। अब यूरिक एसिड जबरदस्ती इकट्ठा हो जाता है, कहीं भाई जॉइंट्स में यूरिक एसिड इकट्ठा हो रहा है, हम चाहते निकल जाए लेकिन इकट्ठा हो रहा है, तो नुकसान करेगा, गाउट हो जाएगा, हम चाहते निकल जाए नहीं निकलना। इस चैप्टर में हम सब इन वेस्ट की एलिमिनेशन पढ़ेंगे। अब ये सारे जो है अमोनिया हो, यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, CO2 हो, वाटर हो, आयन हो, कोई भी वो, चाहे मेटाबॉलिक प्रोसेस से बना हो, चाहे अधिक एक भोजन कर लेने से बना हो, उन सबको एलिमिनेट करता है। लेकिन इसमें स्पेशल किसको ध्यान देना है बोलो, स्पेशल एम्फेसिस ऑन द बोलो नाइट्रोजनस वेस्ट पर है। अब क्वेश्चन अगला पूछा गया, मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रो वेस्ट कौन से है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, अमोनिया कैसे है,
मोस्ट टॉक्सिक। अमोनिया को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ पानी, हमने नीचे टेबल बनाई है, तीन बनाई है, 300 से 500 ml चाहिए पानी एक ग्राम अमोनिया के लिए, एक ग्राम यूरिया के 50 ml चाहिए पानी, और एक ग्राम यूरिक एसिड के लिए 10 ml चाहिए, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन, जबकि यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक है, इसको मिनिमम पानी चाहिए। तो आइए यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं जो हमने पीछे पढ़ा है, अगला टेबल भी आ जाएगा आपके लिए। अमोनोटेनिक वो होते हैं जो अमोनिया निकालते हैं, एक ग्राम अमोनिया के लिए 300 से 500 ml पानी चाहिए। अमोनिया पानी में सॉल्युबल है, अमोनिया वो निकालते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एग्जाम्पल इंडियन एयरफोर्स, पानी में पाए जाने इंसेक्ट एम्फीबियन का टैडपोल लार्वा और फिश, इंडियन एयरफोर्स भी यानी बोनी फिश, ठीक। फिर यूरियोटेलिक वो होते हैं जो एक ग्राम यूरिया के लिए 50 ml पानी, अमोनिया CO2 से यूरिया बनेगी, पानी वाले नहीं टेरिस्ट्रियल होंगे, इंडियन एयरफोर्स भी माफी, एग्जाम्पल मैमल्स एम्फीबियन में फ्रॉग ए फी फिश चाहता या मांगता है, इंडियन एयरफोर्स भी माफी मांगता या चाहता है, कौन सी फिश, या तो मैरीन तो माफी बोल दिया मैंने मांगता, और कटलेज है तो कटलेज, तो बोलो इंडियन एयरफोर्स भी मांगता या चाहता है, किसे, RBI से। सब एग्जाम्पल इसी में लिखे, हमने कोई एक्स्ट्रा कहीं नहीं डाले। रेप्टाइल्स बर्ड्स इंसेक्ट, अब ये इंसेक्ट एक्वेटिक, ये टेरेस्ट्रियल, ये कॉकरोच हो गया, ये पानी में रहने वाले होंगे, स्नेल मोलस्क, यही लिखा है। यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड एक ग्राम के लिए 10 ml चाहिए पानी, ठीक, टेरेस्ट्रियल है, ड्राई वेदर में हो गया यार, कितना बढ़िया था, याद हो गया, यहां से पढ़ लो, ये पूरा पैराग्राफ यहीं से बेटा, दो लाइन ऊपर की बाकी है। टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन हेडिंग है, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिक, मेनी बोनी फिशेस, अब देखो लिख गया एग्जाम्पल, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट, तो इंडियन एयरफोर्स भी लगा दिया हमने, अमोनोटेलिक है, अमोनिया बहुत जल्दी सॉल्युबल है पानी में, जनरली डिफ्यूजन के द्वारा बॉडी सरफेस से निकाल दी जाती है, मछलियों में गिल सरफेस, बेटा मछलियों में अमोनिया गिल सरफेस से निकाल देते हैं एज अमोनियम आयन। किडनी डू नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया, के लिए किडनी नहीं चाहिए, जनरल बॉडी सरफेस से बस। दूसरा टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन है, लेस टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट बनेगा यूरिया बेटा, यूरिक एसिड बनेंगे, पानी कंजर्व हो जाएगा, पहले में पानी ज्यादा जरूरत थी, दूसरे में कम, तीसरे में और कम। मैमल्स बहुत से टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मैरीन फिशेस क्या निकालती हैं, यूरिया, माफी वाला एग्जाम्पल आ गया, यूरियोटेलिक कहते हैं। अमोनिया कैसे बनती बेटा, अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू द यूरिया, अमोनिया यूरिया में बदल जाती है इन प्रेजेंस ऑफ CO2 इन लीवर, तो हमारी बॉडी में यूरिया कहाँ बनती है, लीवर में, उसकी प्रोसेस पूरी मैंने लिखी हुई है यहाँ, नहीं थी हमने बताई है। फिर ब्लड में यूरिया आ जाती है, अब किडनी से छान कर बाहर फेंक दी जाती है। यहाँ क्वेश्चन है लीवर और किडनी, लीवर यूरिया बनाता है और किडनी उसे निकालता है, मतलब लीवर ने यूरिया बनाया और ब्लड में डाल दिया, लीवर ने यूरिया बनाया और ब्लड में डाल दिया, लीवर ने
यूरिया बनाया, वो ब्लड में डाल दिया। अब ब्लड ने छान करके, किडनी ने छान कर यूरिया को पेशाब के रास्ते बाहर निकाल दिया और ब्लड साफ हो गया। तो किडनी का काम हुआ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, छानना। किडनी काम छानना है, कुछ बनाना नहीं है। किडनियां फिजिकल काम करती है, केमिकल कोई काम नहीं। केमिकली वेस्ट बनता है लीवर में और फिजिकली रिमूव होता है किडनी। किडनी में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, केवल डिफ्यूजन है, फिल्ट्रेशन, साफ करने वाला। चाय की पत्ती का रंग छन्नी में आता है या भगोने में, फाइबर में, भगोने में आ जाता है। तो केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रही है? भगोना इज लीवर और छन्नी इज छान दे वही है। छन्नी है तो छन्नी का नाम लगाना है, इसलिए छन्नी का एग्जाम्पल दिया गया। हम तो हर साल पहली बार, हर एग्जाम में पहली बार बोलते हैं, हमसे रिपीट होते ही नहीं है। हमने कभी कहीं लिखा ही नहीं, अगले साल ये बोलेंगे। हाँ आज ये मना, ये बोलती है, आप उसे याद कर लो, बात अलग है कि सर ने कभी पढ़ाया था ये। सम अमाउंट ऑफ यूरिया क्या लिखा है, मे बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स। इसको समझाएंगे क्यों कहाँ। तो ऊपर भी लिखा था पार्शली या टोटली, तो पार्शली रिटेन किया यूरिया को, दो बार लिख गया यहाँ पर। अब तीन बार दिखाएंगे हम आके चल करके, ये देखो ऐसे यूरिया रिटेन क्यों किया गया। आगे ठीक, अच्छा ऑस्मोलरिटी को मेंटेन रखने के लिए। तीसरा बेटा, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड पर पाए जाने वाले स्नेल्स, नहीं आई एक एबसेंट, बाकी सब हो गया। आज रीतिका को फोन लगाओ, क्यों नहीं आई, सो गई। ठीक, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, यूरिक एसिड इन द फॉर्म पेलेट्स पेस्ट। आपने देखा है बर्ड्स की बीट, कभी कभी पेड़ के नीचे खड़े हो तो टप से गिरती है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हमने एनिमल क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स में क्लोइका होती है। उस क्लोइका में तीन सिस्टम ओपन होते हैं, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव। तो जो पेलेट निकालते हैं ना, ये इनमें एक्सक्रीटरी वेस्ट भी है और डाइजेस्टिव अनडाइजेस्टेड फीकल भी है। तो देखो काला और सफेद होता है। हाँ कितना बढ़िया पहचान है। हाँ तो काला वाला वो है डाइजेस्टिव वेस्ट और सफेद वाला है एक्सक्रीटरी वेस्ट। और यूरिक एसिड तो नाइट्रोजन तो हो ही गया, उसको इकट्ठा करके खेतों में डालने लायक है। अब इस लेवल पे जाने की बात है तो है, क्या करोगे? अभी ऊपर हमारे यहाँ लड़का गमले रगड़ रहा था, हमने कहा इसमें जंग लगी ना, इसको इकट्ठा करके इस ड्रम में डाल देना, इसमें मिट्टी खाद बनती है। भाई लोहे की जंग है तो आयरन हुआ कि नहीं हुआ? जंग नीचे गिरी, हमने इकट्ठा करके ड्रम में डाल दो, आयरन में पौधों मिल जाएगा। आयनिक फॉर्म में मिले नहीं मिलेगा बताओ? हाँ ऑक्सीजन को पहुंचेगा वहां पर। हमने कैसी बहाने वाली, हमें एक ड्रम रखा देता ना उसमें वो पत्ते की पत्तियां सब्जियां थी, लोग इतना क्या बताओ, हमें करती नहीं है, आदत ही नहीं। वो झोला आई वो लेके चली गई,
बाहर डाल दिया। तो पौधों की पत्तियां हैं और हम पेड़ों की पत्तियां उसमें डालते रहते हैं, फूल हैं जो वेस्ट है तो खाद बनाते रहते हैं। और पानी की टंकी से जो बालू निकलती है साल में एक बार साफ कराते हैं, वो बालू और पौधों की खाद मिलकर मेरे नए गमले बन जाते हैं। बाहर से मिट्टी लानी नहीं होती, जो बालू बने होते हैं वो बालू कुल सैंड वन काइंड ऑफ पार्टिकल है और हमने ये मिला करके गमले बना देते हैं। अब आप समझो साल भर में हो जाते हैं। अभी 20 गमले तैयार किए एकदम से निकाल करके, अभी 20 और हैं। 20 गमले लाए थे डहलिया लगाया हमने, वही मिट्टी डाली, बालू वो निकल आती है, खाद हो जाती है। तो आप यूज करिए, आप वेस्ट कितना अच्छा से यूज कर सकते हैं ये है क्या। अब आरओ का जो पानी निकलता है इस फ्लोर पे 100 लीटर का लाल डब्बा बाहर रखा देता है, लाल डब्बा 100 लीटर उसमें वेस्ट आता रहता है, हम सुबह उसको ऊपर पहुंचाते हैं ऐसे तुमसे डेली 7 से 8 बार, हर बार 10 लीटर, 5 का लीटर के नहीं है, 5 का ही है, 70-80 लीटर पानी ऊपर डेली ले जाते हैं। मोटर से भी लगा सकते हैं, ये तो बेकार हो रहा पानी, इसका यूज कर लो। दूसरा क्या करता, हमसे क्या मतलब है यार, हम सिखा सकते हैं बता से, कर तो सकते नहीं उसके घर में जाकर के, तो ऐसा करो यार। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बहुत से लोग कुछ जिसका जो मन करो ना, आपको क्या करना है, आपको क्या अच्छा लगता है, तो आप सीखिए। एक शिक्षक की जरूरत है मुझे जो संस्कृत पढ़ाता, आप सबके पास आसपास कोई हो बता देना, महिला हो तो ज्यादा अच्छा है, संस्कृत बच्चों को पढ़ाना है 5 से 12 साल के बच्चों को संस्कृत, क्योंकि हमने शुरू मैंने शुरू करने जा रहे हैं संस्कृत से संस्कृति तक, संस्कृत से संस्कृति तक बच्चों के लिए निशुल्क है। निशुल्क में लोग नहीं आएंगे क्योंकि पैसा रख देंगे उसका होता है अक्सर ये कि पैसा ना लो तो लोग नहीं आते, 21 रुपए 51 रुपए मंथली चार्ज कर देंगे, तो उसको हम 2000-2500 जो भी देना होगा तो अभी 2 रखेंगे फिर 6 डे कर देंगे उसे, सैटरडे संडे या फ्राइडे सैटरडे 2 क्लास शाम को 1 घंटे, 5 से 12 तक के बच्चों, 5 से 12 मतलब उम्र बच्चों को सिखाएंगे, क्योंकि संस्कृत अगर पढ़ लेंगे तो आगे चल कर के हम कोई भी श्लोक है कोई भी चीजें हैं कोई भी किताब पढ़ सकते हैं अच्छी सी। हमारे यहाँ ही नहीं, कहीं कोई पढ़ाता हो बताओ, कहीं कोई सोचता है बताइए, हाँ कितने लोग वहाँ पहुँचते हैं, वही तो शहर के अंदर कितने लोग, हमको तो हर जगह चाहिए ना, ये अगर बन गया तो बड़ा करेंगे इसको बहुत बड़ा, यह भी विचार आया तो इसको, हाँ सब पढ़ेंगे सबको पढ़ेंगे, हमें नहीं आती संस्कृत पढ़ना बताओ, हम भी सीखेंगे क्योंकि पढ़ा चुके बहुत पढ़ा चुके, अब अपने को कुछ करना है नहीं, यही फालतू काम करते हैं समाज में, क्या दे सकते हैं अपने, और हम हमारे अपने मित्र भी हैं, हम किसी को साथी नहीं बनाने वाले, हाँ दो ही एक लोग हैं जो समझते हैं कि हाँ बात सही है, बाकी तो सब अरे यार सब ऐसे कुछ नहीं होने वाला, हमें होगा कुछ नहीं, करो शुरू तो करो। तो बर्ड्स ये सब हो गए ना, क्या बनाते बेटा, यूरिक एसिड पैलेट्स एंड पेस्ट, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर ये करते, मैंने मिनिमम 50 ml, क्लियर हो गई बात, टेबल सोन में आ गई, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पढ़ो,
अमोनोटेलिक, अमोनिया एलिमिनेट करते हैं, 1 ग्राम अमोनिया के लिए इतना पानी खर्च करेंगे, अमोनिया पानी में सॉल्युबल है, एक्वेटिक एनिमल्स में अमोनिया निकालेंगे ये लोग, इंसेक्ट एम्फीबियंस फिश, इंडियन एयरफोर्स भी बोनी फिश है, इसमें किडनी का कोई रोल नहीं है, फिशेस गिल सरफेस अमोनिया में हम निकालेंगे, सब लिख दिए इसमें, ऊपर की सारी बातें लिखी देख लो। यहाँ पर मैमल्स, एम्फीबियंस, फ्रॉग, फिश, मैरीन फिश का हो या कटलेज फिश का हो, और वहाँ पर ये मैरीन कटलेज पर वहाँ भी लिखी जा सकती है। हाँ, चौथे चैप्टर में एनिमल क्लासिफिकेशन में अमोनोटेलिक यूरोटेलिक लिखा है, और यहाँ पर आरबीआई से, तो इंडियन एयरफोर्स भी माफ़ी मांगता या चाहता है आरबीआई से सिफारिश। अब आइए यूरिया की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ बेटा, यूरिया कौन बनाता है? तो जवाब है लीवर। कैसे बनती है ये साइकिल दी है बेटा, आइए यहाँ शुरू करते हैं। ये हेडिंग ये है यूरिया सिंथेसिस का पहला पॉइंट, कहाँ होती है बोलो? लीवर में। ओके, दूसरा क्वेश्चन, इस साइकिल को क्या कहते हैं? ऑर्निथिन साइकिल। क्यों यहाँ पर बेटा एक एमिनो एसिड इन्वॉल्व होती है, इसके नाम पर रखा गया। दूसरा, इसे क्रेब्स हैंसलेट साइकिल कहते हैं, क्रेब्स हैंसलेट साइकिल इन्होंने देखा। ये एक साइकिल बेटा बायो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ एक्सक्रीशन है, यानी इसमें बायोकेमिकल रिएक्शन होती, फिजिकल नहीं, यानी भगोने में पानी में चाय की पत्ती अपना रंग छोड़ रही है, दिस इज ए केमिकल रिएक्शन है ना, और छन्नी से छन रही है, ये फिजिकल है। तो लीवर में जो यूरिया बन रही है वो केमिकल रिएक्शन, उस रिएक्शन को यहाँ मैंने दिखाया, किताब में नहीं लिखा है। आओ इसको देखो पहले, उसके बाद सुनना शुरू। आओ इधर आओ, क्या लिखा है? अमीनो एसिड। कौन सी अमीनो एसिड? जो आपने प्रोटीन पनीर खाई थी, दूध पिया था, डाइजेस्ट हुआ था प्रोटीन, बॉडी के सेल में अमीनो एसिड गया था, बॉडी के सेल में का यूज हुआ आपके सेल के साइटोप्लाज्म बनाने में, प्रोटोप्लाज्म बनाने में, माइक्रोट्यूबुल बनाने में, सेंट्रियोल्स बनाने में, खूब प्रोटीन यूज हुई, कोलेजन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन, एंड खूब आपने एंजॉय किया प्रोटीन का, बिना उसके आप कुछ नहीं हो। उसकी भी उम्र थी किसकी? प्रोटीन की उम्र थी, अमर हुई कुछ नहीं आया, समझ लो। आपका जो शरीर है ना डेली बदल रहा है, आप सोचते हो नहीं हम तो वैसे ही रहे, हाँ बदल रहा है, मतलब जो आपने आज लिया है 30 दिन बाद वो प्रोटीन निकल जाएगी शरीर से, दूसरी नहीं आएगी। आज की जो प्रोटीन आपकी बॉडी में है वो 30 दिन बाद बोन के चारों जो आपके पास प्रोटीन की कवरिंग है वो रहेगी थोड़ी नहीं। लीवर के ग्लिसंस कैप्सूल में जो प्रोटीन है फाइबर कोलेजन पर, वो रहेगी थोड़ी नहीं, वो बदल जाएगी, नहीं आ जाएगी, तो पुरानी कहाँ जाएगी? पुरानी टूटेगी, वेस्ट कहलाएगी। तो वो जो खराब हो गई अब बूढ़ी हो गई प्रोटीन, उससे बनी अमीनो एसिड है वो, ये कहेंगे डी एमिनेशन। क्या कहेंगे? डी एमिनेशन। तो ये निकल आया, कीटो ग्रुप बचेगा बेटा प्लस एमिनो ग्रुप, अमोनिया आ गया, CO2 से मिलकर कार्बोमिल फास्फेट बनेगा, दिख रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ ATP। कार्बोमिल फास्फेट में 2 कार्बन है, कितने हैं? 2 की 1, एक कार्बन। नाइट्रोजन कितने हैं? 1,
ऑर्निथिन एमिनो एसिड है ये, इसमें अमीनो, इसमें भी अमीनो क्या है, नाइट्रोजन है, कार्बोमिल फास्फेट और ऑर्निथिन से मिल करके सिट्रुलिन अमीनो एसिड बनाएंगे। सिट्रुलिन अमीनो एसिड में फिर एक दूसरा अमीनो ग्रुप मिलेगा, एस्परेट से आ गया मान लिया, फिर एटीपी खर्च हुई, फिर आर्जिनो सक्सिनिक एसिड बनी, ठीक, आर्जिनो सक्सिनिक एसिड में टूट गया, फ्यूमेरिक एसिड चार कार्बोनिल एसिड अलग हो गए, और एक अमीनो एसिड आ गई कौन सी, आर्जिनिन, ये भी अमीनो एसिड है, ये भी है, ये भी है, आर्जिनिन अमीनो एसिड रिएक्ट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनेज, क्या बना दिया, यूरिया, ऑर्निथिन वापस आ गई, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। इस साइक्लिक प्रोसेस में तभी से कहा गया है ऑर्निथिन साइक्लिक, या क्रेब्स हैंसलेट साइक्लिक। तो इस यूरिया में, यूरिया का फॉर्मूला कैसे लिखते हो आप लोग, ऐसे लिखते हो ना साहब, सही लिखा मैंने, इसका मतलब दो अमीनो ग्रुप है, एक ये प्रवेश किया, एक ये प्रवेश किया, निकाल दिया, अमीनो एसिड जैसा है वैसा ही है, चल तुम फिर आ गए, फिर लो, फिर जुड़ो, फिर निकल जाओ। ऑर्निथिन अमीनो एसिड, करेक्ट, मीन्स एक अमीनो ग्रुप, एक ही है, दो अमीनो ग्रुप बोलो, एक ही है, तीन अमीनो ग्रुप, तीन अमीनो ग्रुप, ऐसे तो होगा ना, दो अमीनो निकल गए, फिर एक अमीनो एसिड, भाई अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप होता भाई, जल्दी बोलो, इसमें कितने नाइट्रोजन है, एक अमीनो ग्रुप, एक अमीनो एसिड, एक अमीनो, ये तो यहाँ कितने हो गए, दो, ये क्या हो गया, एमाइड हो गए, एक अमीनो ग्रुप ज्यादा हो गया, ऐसे कुछ होगा केमिस्ट्री में जो लिखा जाए, फिर एक और आ गया, कितने हो गए, तीन, कितने नाइट्रोजन अमीनो ग्रुप है, तीन, दो ये निकल आए, एक, हाँ, पूरी साइकिल में कितनी जगह है अमीनो एसिड प्रवेश किया, दो जगह, एक यहाँ, एक, कितनी जगह एटीपी यूज हुआ, दो जगह, दो यहाँ, एक और, टोटल तीन एटीपी, कितने CO2, एक, ये CO भी जा रहा है, ये तो बोलते हैं अमीनो एसिड के डीएमिनेशन से बना अमीनो ग्रुप प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर यूरिया बना लेता। अब ये ब्लड में छोड़ दिया गया, ब्लड से यूरिया कहाँ गई, किडनी में, और यूरिन के रास्ते निकाल दिया, तो किडनी क्या कर रहा है, इसका फिल्टर कर रहा है, और यूरिन में यूरिया है, यूरिन में यूरिया है, चाय की पत्ती में नहीं, चाय में, चाय की पत्ती का रंग है भगोना, लीवर, छन्नी, किडनी, क्लियर, फिल्ट्रेशन हो गया, तो किडनी का फंक्शन है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, वो ब्लड में वेस्ट को छानती है, और लीवर का फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया, ये है, ये डिटेल इतना नहीं है किताब में, मैं आपको बता दिया, थोड़ा बहुत याद करना, यूरिया कहाँ बनता बस इतना याद करना, लीवर, ये हाइडिंग है बेटा एक्सिटी ऑर्गन्स। अब ऑर्गन्स कहाँ पढ़ोगे, तीन सिस्टम बांटे हैं हमने, पूरी एनिमल किंगडम जो आप पूरी फेरा से पढ़ते हो कॉर्डेटा तक, वहाँ कहीं फ्लेम सेल्स पढ़ी होगी आपने, नेफ्रिडिया पढ़ा होगा, एच सेप्ड लॉन्गिट्यूडनल कैनाल पढ़ा होगा, रेनेट सेल,
मेल्पिजन ट्यूबुल पढ़ा होगा। इसका मतलब है कि हम सबने कुछ पढ़ा नहीं, पूरी फिरा सिलेंटेटा टीनोफोरम जनरल बॉडी सरफेस थी, तो वहां से निकल गया मेटेरियल। अब क्योंकि अमोनिया जब निकलता है तो पानी ज्यादा खर्च होता है, यूरिया निकलता पानी कम, तो कंजर्वेशन ऑफ द वाटर है। प्लस बेटा जो भी आर्गन हमारी बॉडी में है वो केवल नाइट्रोजनस वेस्ट निकालता नहीं बल्कि बॉडी के आयन को और बेस को बैलेंस भी रखता है। तो मेरी बॉडी में पानी तब ज्यादा निकले जब ज्यादा पानी पियेंगे। हम कम पानी पियेंगे पानी पिया नहीं, यूरिन कम होगी। यानी किडनी का एक काम और है, नॉट ओनली एलिमिनेशन ऑफ एटम वेस्ट बट मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोलरिटी ऑफ द बॉडी, पानी की मात्रा को मेंटेन करना है। कम पानी पियोगे यूरिन कंसंट्रेट हो जाएगा, ज्यादा एलोइसनेस होगी इसमें। ज्यादा पानी पियोगे फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन होगा, व्हाइटनेस आ जाएगी। तो पानी इतना पीना चाहिए यूरिन ज्यादा कंसंट्रेट ना, इतना होना चाहिए है ना। आदत मत डालो पानी की, बहुत सारी आदत बन जाती है जब पानी के बिना नहीं रहेंगे। होना चाहिए, पानी पीते रहो फ्रिक्वेंटली। पानी पीने से बॉडी की तमाम सी चीजें नॉर्मल रहती है, वो पूरी मेटाबॉलिज्म है, हम आपको हर जगह बता देंगे हाँ कहाँ क्या क्या होता है। चलिए तो देखो जनरल बॉडी सरफेस से कौन एलिमिनेट कर रहा है, पढ़ लो जल्दी से बेटा। पोरीफेरा सिलेंटेरा टीनोफोरा, फिश गिल से अमोनिया में, और ये सब बेटा अमोनोटेलिक ही है। ये हाइड्रा मैंने क्यों बनाया, इसलिए बनाया एक्सक्रीशन और इजेशन में अंतर है। इजेशन मतलब अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बाहर निकालना, तो उसके में माउथ काम करता है। एक्सक्रीशन मीन्स नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालना, तो जनरल बॉडी सरफेस में है। तो सिलेंटेटा में एक्सक्रीशन जनरल बॉडी सरफेस है और इजेशन माउथ से। ये भी एक बात क्वेश्चन आया था, इजेशन और एक्सक्रीशन कौन कहां से, बता दो बेटा। ये किसी ने मात्र पिछले उठा कर क्वेश्चन रख दिया ना, तब भी भटक जाओगे। ठीक, अब बॉडी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई, बॉडी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई। कहां रहते थे, एक झोपड़ी में। क्या सफाई करते थे, झोपड़ी का पर्दा झड़िया देते थे घर साफ, सही है नहीं है। लेकिन झोपड़ी थोड़ी सी एडवांस हो गई, छोटे और कमरे से बन गए, तो भाई झाड़ू लगाने लगा। तो बॉडी जब कॉम्प्लेक्स हो गई तो ट्यूब से डेवलप कर ली कि भाई ऑक्सीजन इकट्ठा करो, यहाँ लाओ, ट्यूब से बाहर निकाल दो। तो था सिंपल ट्यूबुलर सिस्टम, प्लेटिन फ्लेम सेल्स थी, फिर ट्यूब थी, फिर यहां से एक्स पीछे वाले भाग से निकाल दिया। प्लेटिन थी, इसमें प्लेनेरी एग्जाम्पल दिया किताब में, फ्लेम सेल्स एक्सिड ऑर्गन्स इन प्लेटिन थी, रोटीफर्स कुछ एनिलिड्स में भी हैं, और कम आसमो रेगुलेशन मीन्स रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड बायोनिक बैलेंस आल्सो। ठीक, एस्केलन थी में एच सेप्ड ट्यूब बताई थी, रेनेट से एनिडा में नेफ्रिडिया बताया था, याद आ रहा है। ये नेफ्रिडिया ऐसा होता है, हमने सातवें चैप्टर में अर्थों में इन सॉरी हाँ अर्थों में बताया नहीं, तो इसका स्ट्रक्चर दिखाते थे ऐसे ही ट्यूबलाइट। इसका काम नेफ्रिडिया का एक्सक्रीशन भी है और ऑस्मोलिब्रेशन भी। 20% अमोनिया निकालते हैं ये, 40% ये यूरिया निकालते हैं, और 40% अमीनो एसिड निकाल देते हैं। कौन, एनिलिड्स, केचुआ।
कहाँ से निकालता है? जनरल बॉडी सरफेस से ना, जनरल बॉडी सरफेस छेद होते हैं नेफ्रिडिया, और फीकल मेटेरियल में होते हैं। वर्मी कॉस्टिंग सुना होगा, वर्मी कंपोस्ट, केचुए की खाद, किसने किसने सुना? तुमने नहीं सुना केचुए की खाद? सुना? केचुए की खाद का व्यवसाय इतना बढ़ चुका है कि हमारे जैसे लोग अपने गमले में पौधों के लिए केचुए की खाद बाजार से खरीद करके लाते हैं। थोड़ा सा भी काम करने वाला व्यक्ति हो तो केचुए की खाद से भी वो हजारों रुपए महीने में कमा रहा है। गांव में थोड़ा सा एक्टिव हो जाए बस, कहो ये कैसे है? थोड़ी सी ट्रेनिंग, एक हफ्ते की, 10 दिन की, एग्रीकल्चर कॉलेज कानपुर में होती है सीएसए में समय समय पर। केवल 2 फीट गड्ढा, 3 फीट गड्ढा गहरा, 3 फीट चौड़ा, मिट्टी और गोबर भर दिया जाता है, केचुए डाल दिए जाते हैं। केचुए में एक प्रोसेस होती है, नेफ्रिडिया है, वो अमोनिया यूरिया बनाते हैं, उसको पिलेट्स के फॉर्म बाहर निकाल देते हैं। जब मैंने कहा था कि बर्ड्स की वीट में यूरिक एसिड है, इकट्ठा कर लो काम आएगी, वैसे केचुए में यूरिया निकलेगा, अमोनिया निकलेगा, उसकी वेस्ट उसको और केचुए रात में निकलते हैं, बिलों से बाहर आते हैं, तो रात में वो ऊपर टहलेंगे, उनके पिलेट्स बाहर दिखाई देंगे, और सुबह सुबह अंदर चले जाएंगे, सुबह रोशनी आने पर उसे इकट्ठा कर लेते हैं झाड़ों से, ऐसे 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 जितना बड़ा एरिया होगा, 2 किलो इकट्ठा हो गई, आज 50 रुपये किलो बिक गई, 100 रुपये हो गए, और जितना बड़ा एरिया हो खत्म, बात कुछ भी नहीं है, केवल सुबह झाड़ू लगा दो। और बचाना किससे है? चिड़िया खा ना जाए तुम्हारे केचुए को, उसमें क्या जाल लगा दो, चिड़िया से बच ही जाएगा। बहुत से लोग कर रहे हैं, कोई भी ज्यादा लेबर है ही नहीं, तो इस तरह से भी गांव में इनकम बढ़ जाती है। अब उसको बेचने की बात आई, बिकेगा कितने का? ठीक, शुरुआत में तो लगेगा कि यार बेकार है, साल भर में 3,000 रुपए भी नहीं मिले, हो सकता है, लेकिन जब आपकी मार्केट बन जाएगी तो लोग आपके यहाँ लेने आएंगे। पहले आपको 70-10 रुपए किलो बेचना पड़ेगा, फिर उसकी कीमत 20 और 25 भी हो जाएगी, क्योंकि बाजार में बहुत मांग है। जो पौधों वाली दुकान रखते हैं यहाँ पर, लोग खरीदने जाते हैं या वो लोग बेचते हैं। अब सबसे ज्यादा मुनाफा हमेशा रिटेलर को होता है, फैक्ट्री वाले को नहीं होता है, उसको तो तमाम से झंझट है उस पर, तो कभी बहुत और बोलेंगे, लेकिन हमें केचुए पे बोला है। आर्थ्रोपोडा में आ जाओ, मैल्पिजियन ट्यूब पढ़ाया अपना, मिडगट और हैंडगट के बीच, उनका भी काम देखो, यूरिया यूरिक एसिड बना करके हैंडगट में निकाल देते थे, इंसेक्ट काक्रोच में एक्सिटी आत्मरेगुलेशन। पुराण में एंटीना ग्लैंड को ग्रीन ग्लैंड कहते हैं, एंटीना के बेस पर होती है, ये देखो बनाया था मेलबिजन ट्यूबुल्स। ठीक, तो यहां पर क्या था, इनमें जो लिखा था सिंपल ट्यूबुलर, ट्यूब अलग अलग थे, इकट्ठा होकर छेद बाहर खुल गया, और जब वर्टिब्रेट्स आए उन्होंने सारी ट्यूब को एक आर्गन में बना, दैट आर्गन बिकम किडनी। नेफ्रॉन एक ट्यूब है, ऑर्गेनाइज कर दिया बस। तो सिंपल बॉडी सरफेस था, जनरल बॉडी सरफेस थी, फिर ट्यूबुलर पार्ट में इतने एग्जांपल थे जितने यहां दिए हैं, और एक्सिडी ऑर्गन तीसरा नंबर, जहां किडनी बन गई वर्टिब्रेट्स। उसके भी काइंड से प्रोनेफ्रिक, मिजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक किडनी, मैमल्स, एवीज, उसके पहले रेप्टाइल, इन तीनों में मेटानेफ्रिक किडनी होती है।
एडवांस के लिए, इतने लिख लिया बहुत है। चलो पढ़ के देखो कहां पर क्या हो रहा है, कौन सी चीज क्या बोल रही है। जो मैंने लिखा है बगल में सब किताब का ही लिखा है, तो समझाने की कोशिश की है। अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंटेड अ वैरायटी ऑफ एक्सिटी स्ट्रक्चर्स द मोस्ट इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट। बोलो मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट। दीज स्ट्रक्चर्स आर बोलो सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स, वेयर एज वर्टिब्रेट हैव कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स कार्ड के लिए। इनवर्टिब्रेट में ट्यूबुलर फॉर्म्स है और वर्टिब्रेट में कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। इनवर्टिब्रेट में और इन मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट, क्योंकि पोरीफेरा सिलेंटेटा टीनोफोरम जनरल बॉडी सरफेस वहां ट्यूब भी नहीं, तो तीन ऐसे फाइलम जहां पर ट्यूब भी नहीं है, पोरीफेरा सिलेंटेटा टीनोफोरा, उसके बाद सब में ट्यूबुलर सिस्टम है और वर्टिब्रेट में किडनी है। सम ऑफ दी स्ट्रक्चर्स आर मेंशन हियर। पहला बताओ प्रोटोनेफिडिया या फ्लैब सेल्स किसमें है, बोलो। प्लेटीहेलमिंथीस में, प्लेटोन्स कहते हो, प्लेडिविया कहते हो, रोटीफर्स में, कुछ एनलिडा में, सिफेलोकॉर्डेट में भी है, एम्फियोक्सस। सिफेलोकॉर्डिक एग्जांपल एम्फियोक्सस है। अब इनका काम क्या, प्रोटोनेफिडिया का प्राइमरी कंसर्न विद द आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन। तो यहाँ पहला एग्जांपल था इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में डिफरेंस का। दूसरा क्वेश्चन था प्रोटोनेफिडिया और फ्लेम सेल का कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं। तीसरा है नेफिडिया का, नेफिडिया ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं किसके, अर्थवर्म के और दूसरे एनलिडा में। नेफिडिया भी रिमूव करता है नेट्रो वेस्ट एंड मेंटेन करता है फ्लूड एंड आयनिक बैलेंस, मिसासमोरेगुलेशन इसका भी काम। तीसरा बोलो मेलपेजियन ट्यूबुल्स हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच। मेलपेजियन ट्यूबुल भी रिमूव करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट और ऑस्मोरेगुलेशन का काम करते हैं। एंटीनल ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड से परफॉर्म फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन इन फ्रॉम क्रस्टेशियंस में। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन के एक्सक्रीट सिस्टम में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। आओ चार नाम है बेटा, पहला बोलो किडनी, दूसरा यूरेटर, तीसरा ब्लैडर, चौथा यूरेथ्रा। एक्सक्रीटरी सिस्टम में चार नाम बोलो, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक है, हम लोग किडनी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इतने क्वेश्चन किडनी के बारे में। ठीक है, वो यहाँ लिखे तो इनको पढ़ेंगे, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन बोलो, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, यस, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यस, एक ब्लैडर है, एक यूरेथ्रा है। तो ये दोनों चीजें बेटा पेयर्ड में है, एक ब्लैडर है, एक यूरेथ्रा। क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन, किडनी का कलर बताओ, रेडिश ब्राउन। किडनी का शेप बताओ, बीन शेप्ड। किडनी की पोजीशन बताओ, बिटवीन लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री। बेटा सात वर्टिब्री नेक में है, 12 थोरेक्स में है, 5 लंबर की हैं और 5 सैक्रल की है। ठीक, कितनी हो गई, 31 हुई, नहीं ज्यादा कम, चार कितनी होगी, जोड़ो 26 होनी चाहिए,
ज्यादा होंगे। अच्छा ये जुड़ जाएंगे, एक एक बचेगी, ये दोनों जुड़ गई, एक एक बचे। वो तो हमने सात बढ़ा दिया उस समय, इसको एक एक कर दो, जुड़ जाती है। 36 बोलो, 24 2 26। हाँ ठीक है, तो लास्ट थोरेसिक और ये तीन कौन सी लंबर, लास्ट थोरेसिक और तीन लंबर के बीच पाई जाती है। ये वर्टिब्रेट वर्टिब्री है, सात गर्दन वाली, 12 छाती वाली, ये पीछे पीठ वाली, फिर 5 लंबर, फिर 1 सैक्रल, 5 के फ्यूजन से बनी है, और 1 कॉकिक्स जो 4 के फ्यूजन से बनी है। ये हो गया। अब आ जाओ बेटा, पोजीशन हो गई, पढ़ो। कहां पर सिचुएटेड है? क्लोज टू द डार्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, यानी ये इधर से नहीं है किडनी, पीछे से। किडनी में दर्द का मतलब यहां पर दर्द होगा। इसकी पोजीशन एक और है, रेट्रोपेरिटोनियल है। अब रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन एक और कहलाती है, वो मैं बता दूंगा, मैं बता ही रहा हूं, बता क्या दूंगा। ये बॉडी कैविटी हमारी बेटा, ये डायफ्राम है हमारा, इस करेक्ट, और ये बॉडी वॉल है। बॉडी वॉल भी कितनी चीजें हैं, कभी बोला होगा टिश्यू पढ़ा देता, यहाँ पर स्किन, मसल्स, एडिपोज टिश्यू, सबसे अंदर पेरिटोनियम, इन सब को मिलाकर बॉडी वॉल कहते हैं। फैट ज्यादा हो गया, ठीक, तो अंदर सबसे पेरिटोनियम है, उसके बाद कैविटी शुरू हो जाएगी। तो जितने भी आर्गन हैं वो पेरिटोनियम के अंदर हैं, लेकिन पीछे की ओर किडनी जो है पेरिटोनियम से बाहर चली गई, मतलब यहाँ हमने पर्दा डाल दिया, ये वाल है, पर्दा पेरिटोनियम हो गया। सब लोग यहाँ बैठे हैं, इन तरंग पर्दे के पीछे चलेगा। अरे पर्दा कहाँ है, ये पर्दा है, इसके बाहर आ गए किडनी, यहाँ आ गई, नहीं समझ रही बात। कौन कौन बाहर आ गया, लक्ष्मी और तरंग दोनों पीछे, डबल किडनी है दोनों लोग, राइट और लेफ्ट, मतलब पर्दा भी यूं चल रहा, दीवाल से आए ऐसे, अब इनको बाहर करके ही आ गया। रेट्रोपेरिटोनियल कहलाती है, यहां शब्द नहीं लिखा है, लेकिन कभी ऐसा मिले तो आ जाएगा, क्लियर है, जरूरत भी नहीं इसकी ज्यादा, क्योंकि हल्की फुल्की बातें कभी कभी बता देते हैं। आइए आगे बढ़िए, तो हो गया डार्सल इनर वॉल बोला ना, इसलिए एब्डोमिनल कैविटी पीछे की ओर ध्यान रखता, और रेट्रोपेरिटोनियल अलग बोल दिया हमने। अब बोलो बेटा साइज, बोलो 10 5 2 10 5 2 या 12 7 3 10 से 12 5 से 7 2 से 3 लंबाई चौड़ाई और मोटाई, क्लियर, ये याद कर लेना बेटा। वेट बताओ जल्दी से, 120 से 170 ग्राम एक किडनी का वेट है, ठीक है, 120 से 170 ग्राम। यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं, हल्का सा क्वेश्चन रट रहा है बेटा इसे। फिर किडनी ऐसी है, यहाँ पर ये बाहरी सरफेस है, कॉन्वेक्स है, अंदर की सरफेस है कॉनकेव है, उसमें एक छेद है, छेद का नाम हाइलम है, छेद का नाम क्या है, हाइलम।
towards the center of the inner concave surface of the kidney is a notch called hilum. इनसे क्या क्या जा रहा है, क्या क्या निकल रहा है छेद से, बोलो, यूरेटर निकल रही है, ब्लड वेसल आ रही है और जा रही है, इसको फिगर में कहो, यही बोल रहे हैं, उनका क्या लेबलिंग करनी उनको, और जब इसमें दोनों लेबल करा देते ना तो खेल खतरनाक हो जाता है, कौन सा आर्टरी कौन सी वेन, ठीक है ना। अब हार्ट से ब्लड आ रहा, देखना हार्ट है, अब हार्ट सुनो, यहां पर जो लाल वाला है यहां पर हार्ट से ब्लड आ रहा है, तो बताओ किस चैम्बर से निकल रहा हो, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल कैरोटिको सिस्टमिक कार से, और सबसे पहले उसने कोरोनरी आर्टरी दे दी थी हार्ट की दीवार को, फिर ऊपर निकले थे, नीचे मुड़ गए थे, नाम था डार्सल एओर्टा, डार्सल एओर्टा, डार्सल एओर्टा ने जब दिया था हार्ट से निकल कर, तो सबसे पहले कहाँ दिया था, ब्लड रिब्स को दिया था सबसे पहले, वैसे तो दिया किसने, किसको, हार्ट ने कैसे दिया, लीवर को दिया, सॉरी खुद अपने को लिया, फिर जब नीचे चली तो रिब्स की मसल को दिया, और नीचे चली तो डायफ्राम को दिया, और नीचे आई तो स्टमक को दिया, पेंक्रियास को दिया, स्प्लीन को दिया, तब नंबर आया लीवर को दिया, हाँ उसके बाद किडनी का नंबर आया, कुछ समझे, भंडारे से खाना निकला, सबसे पहले जो बैठा था लपक लिया उसने, हमें तो दिए जाओ, हार्ट की दीवार ने खुद ले लिया, फिर बोलो रिब्स इंटरकोस्टल आर्टरी कहते हैं, फिर डायफ्राम फ्रेनिक आर्टरी कहते हैं, फिर स्टमक और सीलिक कहते हैं उसको, स्टमक के बाद बेटा अल्पेंक्रियाज भी, उसकी ब्रांचेस जाकर लीवर सब, और फिर उसके बाद दोनों तरफ किडनी, किडनी की पोजीशन भी अलग है, दोनों इक्वल नहीं है, यूं है, हम तो नीचे कर दिया, नहीं हमने राइट नीचे कर दिया, क्यों है, लीवर है ना, इसलिए ये थोड़ी सी नीचे, अरे मेरे हाथ में देखो बस, हमारे कौन सा हाथ है, राइट, तो राइट और नीचे ड्यू टू लीवर, ये हल्के से होता है, ठीक, आ जाओ भैया, यही तो है राइट लेफ्ट, ये है, ये नीचे है, ये ऊपर, देख रही हल्की सी है, उतनी ही है, हाँ ज्यादा ना बढ़ा देना, यानी क्यों कर दिया, फिर क्या हुआ, फिर हाँ समझ गए ना कहाँ क्या निकला, सबसे पहले बेटा कोरोनरी आर्टरी, फिर एक ब्रांच हेड को चली गई, हेड को चली गई, एक डार्सल ओटा नीचे मुड़ गई, उसने किसको दिया, रिब्स को ब्लड दिया, डायफ्राम को दिया, स्टमक को दिया, लीवर को दिया, उसके बाद नीचे आकर के किडनी को दे रहे हैं, तो क्या नाम है, डार्सल ओटा की रीनल आर्टरी इधर, रीनल आर्टरी इधर, किससे प्रवेश करती है, हाइलम से। हमने कितनी बातें बोली, पहली ये बताई कि हाइलम से एक यूरेटर निकल रही है, एक रीनल आर्टरी जा रही है, एक रीनल वेन निकल रही है, ये नाम हो गए, और एक नर्व है, नर्व, नर्व कहाँ से आती है, ब्रेन से संबंधित है, स्पाइनल कॉर्ड से है, दोनों जगह से वो नर्व आ रही है, चलिए ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये चीजें बेटा इनसे गुजर रही हैं, तो चलिए देखिए हाइलम में क्या क्या है और क्या क्या समझ सकते हो छेद में, कॉन्केव सरफेस पे हाइलम, जिससे बोलो यूरेटर निकल रही, एक ब्लड वेसल में क्या क्या है, ब्लड वेसल आर्टरी और वेन्स, कौन निकल रहा है कौन जा रहा है, आर्टरी बेटा किडनी में जा रही है और वेन्स किडनी से निकल रही है, रीनल आर्टरी रीनल वेन, याद है लीवर में क्या बना था, यूरिया, तो लीवर से जो वेन निकली थी यूरिया सबसे ज्यादा था, और किडनी से वेन निकली यूरिया सबसे कम है, तो किडनी छान दिया, नर्व है इनर टू द हाइलम,
is a broad funnel shaped space card renal pelvis. अब हम लोग किडनी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं. पेल्विस जब आता है तो हम किडनी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं. प्रवेश कर चुके तो चित्र बना नहीं बना है, कहाँ बना नहीं बना, चलो इतने बना ठीक है, हम बनाना चाहिए थे, ऐसा कैसे हो सकता, कोई बात नहीं है भाई, चित्र है इसी बना दिया था, हाँ यही है, चलिए इसी भी देखते ठीक. ये किडनी का है बेटा, नंबरिंग पड़ी है वो ध्यान से देख लीजिएगा. सबसे पहला बेटा सुनो, अंजलि तुम कहाँ हो, यही हो ना ठीक. सबसे बाहर बेटा रीनल कैप्सूल है, कोलेजन प्रोटीन से कवरिंग है इसका. रीनल कैप्सूल बाद अंदर का मटेरियल दो भागों में बटा है, बाहर का कॉर्टेक्स अंदर का मेड्यूला, हो गया दो चीज. इसके ठीक बाद आप देखो अगर तो मेड्यूला अंदर धंसा नजर आ रहा है और कॉर्टेक्स अंदर धंसा नजर आ रहा है ठीक, मतलब मेड्यूला यूं आ रहा है और कॉर्टेक्स यूं जा रहा है. तो कॉर्टेक्स जो मेड्यूला के बीच है उसे रीनल कालामा बर्टिनाई कहते हैं. तो ये कॉर्टेक्स है ना, कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स, दिस इज रीनल कालामा ऑफ बर्टिनाई. और जो रीनल कालामा कॉर्टेक्स के बीच में धंसा है उसे पिरामिड कहते हैं. मेड्यूला जो धंसा वो पिरामिड बन गया और कॉर्टेक्स धंसा रीनल कालामा बर्टिनाई. बर्टिनाई एक साइंटिस्ट हो गया, कॉलम की तरह पाए जा रहे हैं. ये धंसा है तो पिरामिड हुए, यानी कि आप पिरामिड ले लीजिए बेटा और पिरामिड को ऐसे खड़ा कर दीजिए, ऊपर चौड़ा नीचे पतला, फिर पिरामिड फिर पिरामिड फिर पिरामिड, तो दो पिरामिड के बीच जो ये आ रहा है रीनल कालामा ऑफ बर्टिनाई, 12 पिरामिड है लगभग एक के लिए. किसे समझ में आई बात? तो किडनी में सबसे पहला नंबर क्या पढ़ो बेटा, रीनल कैप्सूल से घिरा हुआ है, अंदर कॉर्टेक्स और मेड्यूला है, कॉर्टेक्स बाहर नहीं मेड्यूला बाहर आया तो पिरामिड बनाया, कॉर्टेक्स अंदर गया तो रीनल कालामा बर्टिनाई बर्टिनी ठीक है ना. दो चीजें हो गई, आप सुनिएगा बहुत अच्छे से. ये बेटा मेड्यूलरी पिरामिड हुआ, ये संख्या 12 है. पिरामिड से आओ, बस नाम ये लिखना बेटा, पिरामिड का अगला कोनिकल पार्ट पैपिला, पैपिला के आगे का छोटा सा भाग कैलिक्स माइनर कैलिक्स, एक माइनर कैलिक्स, दो माइनर कैलिक्स, तीन माइनर कैलिक्स, ये बड़ा एरिया, दिस इज मेजर कैलिक्स. बता दे रहे कैलिक्स किसे कहते हो, फ्लावर में निकले ना ऐसे, वैसे यहां भी ऐसे नजर आ रहा. आओ हाँ आओ, ऐसी है पिरामिड सब इसीलिए कह रहे हो, कुछ नहीं जैसे फ्लावर जैसे कैलिक्स वैसे ही. तो देखो बेटा पहला नाम रीनल पैपिला, देखो मेडुलरी पिरामिड के में पहला नाम रीनल पैपिला और पैपिला के आगे का भाग माइनर कैलिक्स, कई माइनर कैलिक्स का एक मेजर कैलिक्स. तो ये क्या है माइनर कैलिक्स, ये क्या है मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स दोनों में मिल गया, मेजर कैलिक्स में सी है ना, तो ये चौड़ा सा भाग बन गया, दिस इज रीनल पेल्विस डी और रीनल पेल्विस इनटू यूरेटर. अब कैसा चले हम लोग, सीधा या उल्टा? अब नीचे से चलो, यूरेटर अंदर गया फैल गया, पेल्विस हो गया, पेल्विस बट गया, मेजर कैलिक्स हो गया वो बढ़ गया, माइनर कैलिक्स हो गया वो पैपिला हो गया, वृक्ष है पूरा. यहां से जाओ
सीक्वेंस यहां उतना नहीं दिया गया, लेकिन सीक्वेंस के आधार पर पहले क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने उस सीक्वेंस को यूं लिखा है। जितना लिखा है भी सीडी करके नोट जरूर कर देना। गला ठंडा गया है। अच्छा, चाय थोड़ी मांगी। हम तो कहें हम तो मफलर मांगा, तुम चाय का तो हमने चाय मांगी क्या? आएगी चाय, मफलर बांधेंगे। चलो क्लियर हो गई बात। नीचे से पढ़ो, नीचे से पढ़ो। ग्रेटर रीनल पेल्विस, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, पैरेलल पिरामिड। पिरामिड से पढ़ो। पिरामिड पैरेलल माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स रीनल पेल्विस ग्रेटर। ठीक, ये आएगा नहीं क्योंकि इसमें कई नाम किताब में नहीं दिए हैं। कैलिक्स लिखा तो है तो दिख रहा है। माइनर और मेजर, मेजर ज्यादा है कि माइनर ज्यादा? कितने यूरेटर हैं किडनी में? एक। किडनी में यूरेटर है ही नहीं। हाँ, एक किडनी में कितने रीनल पेल्विस हैं? एक। अब कितने मेजर कैलिक्स होंगे? तीन या चार हैं। तीन या चार हैं। उसी हिसाब से हर एक में तीन चार माइनर है और फिर पैपिला उसे आपसे बढ़ते हैं। क्लियर हो गई बात? तो स्ट्रक्चर है ये, ज्यादा पूछे नहीं क्वेश्चन, बट हो सकता है। तो पीछे से हम लोग इसका चित्र पढ़ा दें एक बार, फिर आगे आ जाए अगले पॉइंट पर। रीड करो बेटा, यहाँ पर यहाँ शुरू होगा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। पहला क्वेश्चन बोलो, आउटर लेयर ऑफ किडनी इज कैसी टफ कैप्सूल, और सब कोलेजन फाइबर है। जहां कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर कोलेजन फाइबर, कोलेजन प्रोटीन। इनसाइड किडनी देयर आर टू जोन्स, आउटर इज कॉर्टेक्स, इनर इज मेडुला। मेडुला डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मॉस मेडुलरी पिरामिड्स प्रोजेक्टेड इनटू द कैलिक्स। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द क्या कहलाएगा? बर्टिनी। बस उसका अब इन्होंने बोला ही नहीं कुछ, हमने अलग से आपको बता दिया, वो देख लेना। अब बेटा किडनी में क्या है? नेफ्रॉन्स है, ये फिगर बना है। नाम तो लगभग लिख ही गए हैं, वहां से देख लेना आप, यहां से देख लेना। ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के दो पार्ट हैं, एक ब्लड का एक ट्यूब्यूल का। ये ब्लड वाला पार्ट है, लाल वाला, ये ट्यूबुलर पार्ट है। ब्लड वाले पार्ट के गुच्छे को हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। इस ग्लोमेरुलस में इधर एफरेंट आर्टेरियोल, इसे एफरेंट आर्टेरियोल कल बोला था मैंने, रेटिया मिराबिलिस। ये कैपिलरी है बेटा, छनेगा लेकिन एक ही तरफ जाएगा, जबकि उस कैपिलरी में, उस कैपिलरी ही बना देते हैं। उस कैपिलरी में बेटा कैसा था? ये था, फिर ये था, फिर इनकी ये ब्रांचेस थी, एक्सचेंज था, फिर यहां से बेटा मिल गए, मिल गया ना ये इसका नाम आर्टेरियोल था, इसका नाम विन्यूल था, इनका नाम कैपिलरीज था। इनका काम बच्चों ले लो
और दे दो, बाई डायरेक्शनल हो गए ना, ये भी कैपिलरी है बट यूनिडायरेक्शनल। कोई डाउट? तो ग्लोमुरुलस कैपिलरी जिसमें केवल आना है यूं, बस यूं वाला नहीं, कैपिलरी का भी खेल देख लेना। और कल बताया था हमने पिछले टर्म पर कि आर्टेरियोल कई बार विनुल से सीधे मिल गई, नो कैपिलरी यहां पर, आर्टेरियो वेनस एनास्टमोस। तो ये भी मोटी है, ये भी मोटी है, ये पतली है, इनमें छेद करोगे बहुत हल्का हल्का पानी आए, ब्लड आएगा, इनमें करोगे तो फिर भल भला के निकल आएगा, है ना? पता चला यहां भी नहीं किया, उसे यहां वाली कर दिया, फिर तो रोक लो तो रोक सको तो रोको, नस काट दिया, ब्लड बहुत बही रहा है, हम मर जाएंगे, कुछ हो जाए, मरो किसने कहा है? चलो तो दोनों की अंतर आ गया बेटा। तो क्या ऐसा नेटवर्क यहां मिलेगा कभी? हाँ नहीं कह दिया दंड से, नहीं मिलेगा। अब जब मिलेगा तो आगे बताएंगे, अभी नहीं बता रहे हैं, वो आएगा उसका झंझट आएगा तो भी डिस्कस करेंगे। तो ये तो श्योर हो गया ना कि किडनी में ब्लड आएगा, रीनल आर्टरी से आएगा और फिर किडनी में ब्रांचेस बनेंगी, क्या बनेंगे बोलो? ब्रांचेस। तो अगले पेज पर तो है, क्यों ना बता दिया जाए, ब्लड वाला ही सिस्टम आगे का है, झंझट किया जाए नहीं, ये देखो ब्लड ही समझा रहे। सुनो सुनो सुनो, हार्ट दिख रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला, रीनल आर्टरी अंदर प्रवेश कर गई, बोलो रीनल आर्टरी है, वन पेयर इधर एक इधर, अंदर जाकर पांच ब्रांचेस बनती इसकी, फिर उसकी और ब्रांचेस, एक ब्रांच को आर्कुएट ब्रांच कहते हैं, आर्कुएट आर्टरी, अभी आर्टरी चल रही है किडनी के अंदर, फिर आउट ब्रांचेस के बाद एफरेंट आर्टरी, वो वाला जो दिखाए थे, फिर बोलो एफरेंट आर्टरी, यहाँ केवल छन्ना है एक तरफ बस, दो तरफ नहीं है कैपिलरी में, फिर ये दो तरह की बेटा ब्रांच है, एक पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क है, एक वासा रेक्टा है। क्या है अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको, फिर आर्क्यूड वेन, मतलब यहां पर जो कैपिलरी है वो हमारी बॉडी की पूरी बॉडी वाली कैपिलरी है, यानी कि यहां पर क्या है आर्टियोल है, यहां बनेंगी वेन्यूल्स, फिर वेन्स, इसका नाम आर्टियोल्स, यहाँ का नाम नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, यहाँ का नाम विन्यूल। ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरी दो तरह का किडनी में, कितने तरह से बताऊं इसे, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, वापस आ जाओ। किडनी में रीनल आर्टरी गई, आर्कुएट आर्टरी है उसकी ब्रांच, नाम दिया गया, बीच में क्वेश्चन पूछा गया आर्कुएट आर्टरी कहाँ पाई जाती है, तो किडनी के अंदर है, बाहर नहीं है। चलो आर्कुएट आर्टरी के बाद जो ब्रांच मेरी हमें सीधे ग्लोमुलस से पहले एफरेंट थी, ग्लोमुलस दिखाया था, उसकी इफरेंट है, इसने दो तरह का नेटवर्क बनाया जिसमें क्या है आर्टरियोल कैपिलरी विन्यूल, बोलो आर्टरियोल कैपिलरी विन्यूल, बोलो आर्टरियोल कैपिलरी विन्यूल, फिर से बोलो आर्टरियोल कैपिलरी विन्यूल्स। तो जो कैपिलरी है वो दो तरह की, एक का नाम पेरिटिबुलर, एक का नाम वासा रेक्टा, ये दो तरह की, क्लियर? दोनों में अंतर क्या है बेटा, दोनों में अंतर क्या है?
नेफ्रॉन में पढ़ेंगे बेटा हम लोग हैंडलेस लूप, वो यूं है बस, यू क्या करते हैं। तो एक कैपिलरी, एक आर्टरियोल ऐसी होगी, एक ऐसे जाएगी और केवल एक दो ब्रांच बनाएगी बस, और ऐसे उनको निकल आएगी। और जो ये होगी, एक आर्टरियोल जाएगी, ढेर सारी ब्रांच बनाएगी, तो इसमें ब्रांचेस ज्यादा, इसमें ब्रांचेस, 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 किसकी, किसकी, आर्ट्रियोल की ब्रांचेस ज्यादा, तो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क ट्यूब के चारों नेट बना है, और आर्ट्रियोल की ब्रांच कम, वासारेक्टा केवल सिंगल, जैसे नेफ्रॉन ये गया तो ये भी ऐसे चली गई, ज्यादा नहीं, एक पर एक है। किसकी ब्रांच ज्यादा है, आर्ट्रियोल दो तरह से ब्रांच बना रहा है, एक नेटवर्क की तरह, एक सिंपल। फिर यहां पर कैपिलरी, ये क्या है कैपिलरी, ये क्या है आर्टियोल कैपिलरी वेन्यूल वेन्स, बोलो आर्टियोल कैपिलरी वेन्यूल वेन, ये सब देखें यहां भी, उससे पहले कैपिलरी ये है, बोलो आर्टियोल कैपिलरी आर्टियोल, और ये आर्टियोल कैपिलरी वेन्यूल। तो क्या किडनी में आर्टियोल कैपिलरी वेन्यूल है, अभी तो नहीं था। क्या किडनी में आर्टियोल कैपिलरी आर्टियोल है, तो किडनी में कैपिलरीज दो प्रकार से बन गई, इसे रेटिया मिराबिलिस कहते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक। और ये सामान्य वाला जो बॉडी बाहर जगह है, फिर विन्यूल्स मिलकर के आर्कुइड वेन, फिर रीनल वेन, रीनल वेन निकल आई, वेना केवा से हार्ट में चला गया। दिस इज ब्लड सर्कुलेशन ऑफ किडनी। तो किडनी का ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा, यही इंपॉर्टेंट यही है, और ये तो आपको दिखी दिखना ही चाहिए। तो जल्दी बोलो, मन में सोचो, किडनी में प्रवेश क्या किया, रीनल आर्टरी। तो किडनी के पांच लोब होते हैं, पांच भागों बढ़ जाती है जाकर, इसीलिए एरो कर, फिर एक का नाम आर्कुएट आर्टरी, फिर उसकी और ब्रांचेस 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 करके अल्टीमेट ब्रांच कौन सी बनी, एफरेंट आर्टरी। नेफ्रॉन की संख्या एक मिलियन, कि 10 मिलियन, 10 लाख, हाँ 1 मिलियन, और हर नेफ्रॉन में ये जाएगी, इनकी संख्या भी 1 मिलियन हो जाएगी, इनकी संख्या 1 मिलियन हो गई बेटा, जितने नेफ्रॉन उसमें हर एक में ग्लोमेरुलस, फिर ये बन जाएगा, अभी आ जाएगा, याद करना, ये ब्लड सर्कुलेशन की बात। और किडनी नहीं, हार्ट एक मिनट में कितना ब्लड पंप करता है, 5 लीटर, क्या कहते हैं कार्डियक आउटपुट, और एक बार में स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था, 70 ml, और हर बार का 25% ब्लड किडनी को देता है वो, किडनी हर बार का 25% ब्लड किडनी को दे देता है, 20-25%। हार्ट जितना ब्लड पंप कर रहा है उसका ज्यादा से ज्यादा किडनी को दे रहा है, भैया छानो जल्दी से, बहुत गंदगी भरी है इसमें, यानी हार्ट जितना ब्लड ले दे रहा है उतना 25% किडनी को जा रहा है, 20-25%, बाकी कहाँ जा रहा है। खाना खा लिया तो 25% इन एलिमेंट्री कैनाल को जाता है, 50 तो यही हो गया, लो पूरा शरीर क्या करेगा यार, दो जगह बढ़ गया 50, ये तो यार हद है यार, दो ही लोग बांट गए। 10% ब्रेन को जाता है, 60 हो गया, देखो बाकी बांट खा लो सब लोग, बाकी हर जगह जाता है। ये दो जगह इंपॉर्टेंट है, खाना खाने के बाद ब्लड कहाँ ज्यादा पहुंच गया, एलिमेंट्री कैनाल को, क्या 20-25 ज्यादा खा लिया, यानी और चाहिए, तो ब्रेन में ब्लड, तभी आलस आ गया, सो गए, तभी कहते थोड़ा खाओ, बार बार खाओ, आलस नहीं आएगा,
जैसे भाई स्टमक में भोजन डाल दिया तो क्या करेगा, चलाना तो पड़ेगा ना, उसको एनर्जी तो चाहिए। आ गया है चलो ज्यादा भोजन डाल दिया, कहीं चर्निंग ज्यादा कर नहीं लो, मस्कुलर एक्टिविटी सब आपको पता ही नहीं अंदर क्या चल रहा। ये खाना हमेशा नहीं भाई, एक बार में कम खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। कब नहीं खाना चाहिए। हमने जैसे अभी मेरा वजन 79 केजी हो गया, तो ज्यादा 75 बहुत दिनों मेंटेन रहा, मैंने कहा 4 किलो बहुत हो गया। हमने खाने में चेंज किया, हफ्ते में 3 दिन जो है एक टाइम खाते हैं। दो किलो घट गया, 79 से 77 आ गया। 2 किलो घटाना, 10-15 दिन लगेंगे, ये भी इकट्ठा छोड़ दी, ऐसा नहीं करते। चलो वापस आओ, ब्लड समझ में आ गया। तो किडनी में आओ, यहाँ आओ, सब दिखाएंगे अभी आपको। नेफ्रॉन के 2 पार्ट हैं बेटा, एक ब्लड वाला एक ट्यूबुल वाला। ब्लड वाले को ग्लोमेरुलस कहेंगे, इसमें आने वाली आर्टियोल का नाम एफरेंट ए है ना, जाने वाली ई, आ एंड जा। इसकी ल्यूमेन वाइड होती है, इसकी नैरो होती है, तो यहां प्रेशर बन जाता है, बाकी प्रेशर आगे बताएंगे। चलिए ये इनमें अंतर हो गया ना। नेफ्रॉन को यूरिनरी ट्यूबुल कहते हो, लगभग 1 मिलियन पर किडनी है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। एक नेफ्रॉन के 2 पार्ट हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस मैंने आपको बता दिया, एफरेंट इफरेंट के बीच है, कैपिलरी का नेटवर्क है। रीनल कैप्सूल में ये नाम है, पहले बोर्ड में देख लो बेटा, ये जो कप शेप्ड बोमन कैप्सूल कहते हैं, ये छोटा सा पार्ट नेक है। पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, हैंडलेस लूप, डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। कलर चेंज कर दिया मैंने इसे, कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो ग्लोमेरुलस ब्लड वाला पार्ट, बोमेंस कैप्सूल, नेक, पीसीटी, डीसीटी, हैंडलेस टू डीसीटी, करेक्ट। इतना पार्ट ऊपर वाला कॉर्टेक्स में रहता है, नीचे वाला मेडुला में रहता है। मेडुला में केवल हैंडलेस टूब है, मेडुला में केवल हैंडलेस टूब है, सब कुछ कॉर्टेक्स में भरा है। और हैंडलेस टूब छोटे और बड़े हो सकते हैं, इस बेसिस नेफ्रॉन के प्रकार हो गए। कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी वो आगे आने वाला है। तो नाम याद रहेंगे, नाम का सीक्वेंस ही पूछा जाता है, जो आप आसानी से बता लोगे। एनी डाउट यहाँ पर नहीं, पढ़ लो थोड़ा सा भाई किताब भी। प्रत्येक किडनी में नियरली बेटा 1 मिलियंस नेफ्रॉन है, जो फंक्शनल यूनिट भी है। नेफ्रॉन के 2 पार्ट हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, एफरेंट आर्टियोल जो रीनल आर्टरी की ब्रांच है। ब्लड ग्लोमेरुलस में आता एफरेंट से है, निकलता इफरेंट से है। ग्लोमेरुलस खत्म हो गया, रीनल ट्यूबुल शुरू हुआ। एक चीज और बता रहा, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल मिलाकर मैल्पिजियन बॉडी कहते हैं। एक मैल्पिजियन ट्यूब्यूल था, याद आया?
हाँ यहाँ मैल्पिजियन बॉडी है, ये मैल्पिजियन कार्पसेल्स है। मैल्पिजियन टिब्यूल, मैल्पिजियन बॉडी और मैल्पिजियन एक और है, स्क्लेराइड्स है, सॉरी अरे स्क्लेराइड, हाँ स्क्लेरेंकाइमा सेल्स, स्क्लेरेंकाइमा होती ना, पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा में स्क्लेराइड, वो भी मैल्पिजियन ने खोजा तो उसका नाम भी मैल्पिजियन स्क्लेराइड है। मैल्पिजियन तीन जगह नाम हम लोग यूज कर रहे हैं। स्किन में जो नीचे की लेयर जर्मिनल है वो भी मैल्पिजियन ने खोजी, उसको मैल्पिजियन लेयर कहते हैं। तो खूब है मैल्पिजियन चारों तरफ नाच गा करके, और जो खोजने लगता है तो खोजने ही लगता है। जिस दिशा में लोग चले गए, चोरी करने लगे तो चोरी अच्छे लगने, तमाम सी चोरियां की। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, चोर थाने लाया गया, चोरी पैसा क्या करते, गरीबों में बांट देते हैं, हद हो गई, डकैत बन रहे हैं, गरीबों में मार देते हैं। एक समय डकैत ऐसे हुआ करते थे कि कुछ लोगों को, गरीबों को नहीं मिलता था तो ब्याज का पैसा साहूकार लोग खा जाते थे, तो फिर उसी में कोई निकलता था डकैत, उनसे डकैती डालकर पैसा उठाकर गरीबों में बांट देते थे। लेकिन वो कहीं कहीं था, पिक्चरों में कहना और क्या, हकीकत में भी होगा। आओ भाई, तो मैल्पिजियन बॉडी समझ में आई बेटा, यहां लिख देते हैं मैल्पिजियन बॉडी कहते हैं या मैल्पिजियन कार्पसल कहते हैं, दोनों मिलाकर ये और ये। चलो रिनल ट्यूबुल शुरुआत कहां से, बिगिंस विद द कप लाइक डबल वार्ड बोमेंस कैप्सूल से। बोमेन कैप्सूल में अंदर क्या इंक्लूड कर रखा है, ग्लोमेरुलस को। ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमेंस कैप्सूल क्या कहलाती है, मैल्पिजियन बॉडी कहलाती है, या रिनल कार्पसेल्स या मैल्पिजियन कार्पसेल्स है। ट्यूबुल कंटेनिंग होती आगे हाईली क्वाड पीसीटी में, यह है पीसीटी ना, देखो मैल्पिजियन कैप्सूल, ये पीसीटी हो गई। यहां भी लेबलिंग पूछेंगे फिगर का, है ना, पीसीटी याद रखना बेटा। फिर ये बोलो हैंडलेस लूप हो गया, नहीं ये डीसीटी हो गई, नंबर लिखा है, ये कलेक्टिंग डक्ट हो गई, लेबलिंग आराम से आ जाएगा। और ये देखो नेटवर्क है बेटा, वासर का दिख रहा है, बोलो ये एफरेंट है, ग्लोमुलस है, इफरेंट है, बट गया ये, ऐसे गया, ऐसे आ गया, यूलाई स्ट्रक्चर, दिस इज वासर। और ज्यादा नेटवर्क हो जाता तो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क। अब वासर एक्टा, ये आई विन्यूल्स ना, किडनी, रिनल वेना के बाद दिखा दिया ऐसे ही, आराम से बनाना चाहना बना लेना, ताकि जाता कहाँ है, ये कहां से होंगी सोच के देख लो। ये देखो पूरा ब्लड का फिगर बना हुआ है, बोलो हार्ट से एओर्टा, रिनल आर्टरी, पांच ब्रांच, आर्क्यूएट आर्टरी, उसकी तमाम सी ब्रांचेस, एफरेंट आर्टियोल, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्टियोल, वासा रेक्टा, विन्यूल्स, वेन्स। वहां जो लिखा है यहां फिगर से दिखाई गए, बस इसके दो पार्ट हैं, एक बोलो ये है इफरेंट आर्टियोल, दो नेटवर्क, एक पेरिट्यूबल और दूसरा वासा रेक्टा, ये नेटवर्क लाइक है और वो यू शेप्ड है थोड़ा सा। ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में। तो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क बेटा,
और दूसरा वासा रेक्टा। ये जरूरी है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए, इसका स्ट्रक्चर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए है। और ये बेटा डाइल्यूशन ऑफ यूरिन के लिए। वासा रेक्टा जो है यू शेप्ड, वो यूरिन को कंसंट्रेट बनाएगा, आगे बताएंगे। यानी इफरेंट के बाद दो तरह की ब्रांच है बेटा, ये एक यहां दी गई वासा रेक्टा तो ठीक, दूसरी ठीक है। तो फिगर में भी जो लेबलिंग में करता हूं उसे ध्यान से सुन, ये कलेक्टिंग डक्ट है, स्ट्रेट है और कई कलेक्टिंग मिलकर डक्ट आप बैलेनाई बनाती है, तमाम सी कलेक्टिंग डक्ट मिलकर बेटा डक्ट आप बैलेनाई। कहां ओपन होती है बोलो? ओपन ऑन पैपिला मेडुलरी पिरामिड, पैपिला के बाद, माइनर कैलिक्स के बाद, मेजर कैलिक्स के बाद, पैलिविस के बाद यूरेटर। आप सीक्वेंस याद कर लो, पैपिला के बाद बोलो माइनर कैलिक्स के बाद मेजर कैलिक्स के बाद यूरेटर, बस फिर ब्लैडर और बाहर। तो चीजें बिल्कुल साफ दिखी हुई हैं, साफ बनी हुई, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। और हेनलेस ट्यूब कैसा बेटा? हेयर पिन शेप्ड। पीसीटी बेटा बहुत कन्वोल्यूटेड है, डीसीटी कन्वोल्यूटेड है, और हेनलेस ट्यूब हेयर पिन शेप्ड है। हेयर पिन समझ गए? क्वाइल्ड हेयर पिन शेप्ड हेनलेस ट्यूब है। दो लिंब है ना, एक डिसेंडिंग एक एसेंडिंग ट्यूब, एसेंडिंग और डिसेंडिंग। एसेंडिंग लिंब कंटिन्यू एज अनदर हाईली क्वाड, कहाँ बनेगा? डीसीटी में। डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन ओपन इनटू स्ट्रेट ट्यूब, स्ट्रेट ट्यूब इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। मेनी ऑफ विच, तमाम सी कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ट टू फॉर्म बोलो डक्ट ऑफ बैलेनाई, हमने लिखा है देखो कलेक्टिंग डक्ट मेनी ऑफ विच कन्वर्ज टू फॉर्म डक्ट ऑफ बैलेनाई एंड ओपन इन टू रिनल पैलिविस थ्रो मेडुलरी पिरामिड इन द कैलिक्स, लिखा सब वही देखो, देखो सीक्वेंस क्या है। कोई समझेगा तो क्वेश्चन को फ्रेम कर देगा। अब बेटा नेफ्रॉन दो प्रकार के हैं, यहाँ लिखा है कैसे, इस पे आ जाओ, इस चित्र को देखो। ये चित्र किसे समझ में आया? क्या एफरेंट है ये? ग्लोमेरुलस है ये? इफरेंट है ये? नैरो ल्यूमेन, वाइडर ल्यूमेन, ओके। बोमेंस कैप्सूल नीला वाला, फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये फिगर बन गया। इन दोनों को मिला तो मेलपिजन बॉडी है, रिनल रिनल कार्पसल्स है, ये बेटा किडनी बना दिया मैंने। बाहर का कॉर्टेक्स है, बोलो बोलो, अंदर मेडुला है। मेडुला में केवल हेनलेस ट्यूब देखो, अब कलेक्टिंग डक्ट आ रही है, डक्ट पहले नहीं आ रहे, देख लो भाई। इस वाले नेफ्रॉन में हेनलेस ट्यूब छोटा है, इस नेफ्रॉन में बड़ा है, ये कॉर्टेक्स की ओर ज्यादा है, इसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं, इसको जक्स्टा मेडुलरी कहते हैं। ये यूरिन को डाइल्यूट करेगा, ये यूरिन को कंसेंट्रेट करेगा, कैसे करेगा मैकेनिज्म बताएंगे अभी वहां। किसी भी नेफ्रॉन का केवल हेनलेस ट्यूब मेडुला में है बेटा, बाकी सारी चीजें कॉर्टेक्स में। और सुनो, इसमें पेरिट्यूबुलर नेटवर्क है, इसमें वासा रेक्टा, एक कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ये वही डिफरेंस यहां भी लिख दिया है। इनका परसेंटेज कम, इनका परसेंटेज ज्यादा, देख लो भाई। कॉर्टिकल नेफ्रॉन मेजॉरिटी में है, 85% डाइल्यूशन ऑफ यूरिन पेरिट्यूबुलर नेटवर्क, 15% कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन वासा रेक्टा है। मेलपिजन कॉर्पसल पीसीटी डीसीटी कहां पाए जाते हैं बेटा? कॉर्टिकल रीजन में होते हैं किडनी के। हेनलेस ट्यूब कहां होता है? मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन कैसे हैं? हेनलेस ट्यूब छोटा है,
मेडुला में बहुत छोटा है, ऐसे नेफ्रॉन को कॉर्टिकल कहते हैं, दूसरे वाले को जक्स्टा मेडुलरी कहते हैं। पैराग्राफ कितना छोटा सा है, लेकिन अगर आप फिगर और नाम सीधे पकड़ लेते हो, पढ़ लेते हो, तब हाँ भाई आखिरी पार्ट आ रहा है नेक्स्ट। ये जो पैराग्राफ ना, ये ब्लड वाला है, बगल में क्या लिखा मैंने, रीनल ब्लड सप्लाई। किडनी में ब्लड सप्लाई कैसी है, किसे याद हो पाया? रीनल आर्टरी गई, आर्क्यूट आर्टरी थी, एफरेंट आर्टरियोल, ग्लोमेरुलस, इफरेंट, दो तरह के ब्रांच, पेरिट्यूबर वास्कुलर, मिलने से विन्यूल, आर्क्यूट वेन, रीनल वेन, वेना केवा। इसे पढ़ के बताओ क्या समझ में आया, पढ़ो जल्दी। हाँ, जो एच क्या बोलते हैं, पैरेलल हो, यू शेप्ड हो जाए, वो आशा रेक्टा, बाकी पूरा नेटवर्क पेरिटिबुलर। अलग अलग इसमें लग रहा है एक ही सा दिखा है ना, इसमें लिखा उसको देख लो कि वो होती अलग अलग। माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क, दिस नेटवर्क तो गड़बड़ कर रहा है ना, तो हम लोग यहाँ सोच रहे दिस नेटवर्क इज पेरिट्यूबुलर, एक्चुअली उसका नहीं है, ब्लड का है, रन पैरेलल टू द हैंडलेस लूप और वासा रेक्टा बना रहा, वो अलग है। दिस यहाँ कन्फ्यूजन कर रहा है, दिस का मतलब पूरे ब्लड के सर्कुलेशन का मानकर चलिए आप। एनी डाउट? किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, लीवर का फंक्शन पढ़ लिया, सारी चीजें हो गई, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपने देख लिया, अब क्या देखना पसंद कर रहे हैं? यूरिन फॉर्मेशन, क्या है ये? फिजिकल एस्पेक्ट, ये देखो प्रोसेस फिजिकल है, कहाँ होता है? किडनी में, किडनी बेटा यूरिन फॉर्म, कहाँ? किडनी में। प्रोसेस कैसी है? फिजिकल। कितनी प्रोसेस है? तीन। नाम? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। यूरिन फॉर्मेशन का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पार्ट हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। बगाना है और क्या, यूरिन फॉर्मेशन एक प्रोसेस कठिन है, बाकी सब। यूरिन फॉर्मेशन जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल नहीं। आइए पहली स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, लिखा ना, तो हम लोग ये पढ़ेंगे किताब बाद में। फर्स्ट स्टेप है ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल में होता है। पहला पॉइंट हमारे पास है रीनल ब्लड फ्लो, किडनी में कितना ब्लड आता है, मैंने भी कहा था 5 लीटर ब्लड हर मिनट हार्ट से निकलता है, उसका 1100 से 1200 ml आ रहा है, तो 1200 ml का मतलब 20 से ज्यादा है, 25% के आसपास है। तो किताब इनिशियटिव लिख रही 1100 से 1200 ml, हमने उसे 20 से 25% मान लिया, और 25% से कैलकुलेशन निकालेंगे, जो भी निकालेंगे 1/5 अगर 20% बोलेंगे तो, बोलो भाई, अगर 25 बोलेंगे 1/4 हो जाएगा, इन्होंने 1/5 कहा है, 20% है उसे थोड़ा ज्यादा मान लो,
अब क्या है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कौन है? तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जब चर्चा करोगे तो आपको तीन चीजें मिलेंगी। तीन चीजों का मतलब क्या है, ये देखो। पहला, ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन है, बोमेंस कैप्सूल की मेम्ब्रेन है, और दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है। हम उसे ऐसे यहां बना सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है, दिस इज, यहां नहीं बनाएंगे, अलग बनाएंगे। चलो, ये तो मुझे मिल गई ना, दिस इज, बोलो, यू शेप्ड बोमेन कैप्सूल, ये इसकी मेम्ब्रेन हो गई। डाउट एनी? इन्हें पोडोसाइट सेल कहते हैं। अच्छा, फिर दूसरी मैंने ये बना दिया, एक कैपिलरी बना रहे हैं, एक कैपिलरी बना दी मैंने, ये वॉल ऑफ वोमेन कैप्सूल, इनर वॉल, और कैपिलरी की वॉल, दोनों के बीच में ये भरा है, और जो भरा है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाती। तो तीन लेयर हो गई। यहां से छनकर यहां आना है तो कितनी लेयर पार करना है, तीन। एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इनर लेयर ऑफ वोमेंस कैप्सूल, ये तीनों मिलकर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बना देंगी। बोलो भाई, है कि नहीं है? Yes, तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में कितनी लेयर है बेटा? तीन। तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में तीन लेयर है, कौन कौन सी बोलेंगे? एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस कैपिलरी, ठीक। दूसरा, बीच में दोनों के बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ कैप्सूल, इनर मेम्ब्रेन ऑफ बोवेन कैप्सूल। चलिए, इसके बाद क्या है बेटा, यहां सब लिखा है। इनर मेम्ब्रेन में सेल को पोडोसाइट कहते हैं, स्पेशल सेल। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना पड़ेगा? हमने कहा था एफरेंट आर्टिक्यूल की वाल ल्यूमेन चौड़ी है, इफ्रेंट की संकरी है, यहां ब्लड ज्यादा आएगा, यहां ब्लड कम निकल पाएगा, दिस मेक्स अ प्रेशर, ब्लड प्रेशर। उस प्रेशर को क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहेंगे। ग्लोमेरुलर के ब्लड के पानी के कारण प्रेशर इज जीपी, जीएचपी। नहीं आए समझ में? ग्लोमेरुलस में ब्लड है, ब्लड में पानी है, तो उस वाल, भाई हमारे ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ द वाटर यार, ब्लड में पानी का प्रेशर है। अगर ब्लड में पानी कम हो जाए तो प्रेशर घट जाएगा। आपने सुना ही होगा, जिसको हाई बीपी का शिकार पेशेंट व्यक्ति, नमक कम देते हैं। किसने सुना? किसने किसने सुना भाई? आईसी सुना है बेटा, जब नमक ज्यादा लोगे तो बॉडी पानी की जरूरत ज्यादा समझेगी, तो पानी लोगे तो ब्लड में पानी ज्यादा बढ़ जाएगा, ब्लड में पानी ज्यादा बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर का प्रेशर बढ़ जाएगा। बेटे, हाई प्रेशर, हाई बीपी वाले व्यक्ति को नमक कम खाना चाहिए। बड़े सिंपल सी बात होती है। उसका बीपी बढ़ा नमक खा करके तो क्या करे? क्यों नमक खा करके बीपी बढ़ा लिया? ऐसा होता है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कोई प्रमाण नहीं कि नमक खा करके बीपी बढ़ जाए। चलिए, नमक खाने के बाद बीपी बढ़ेगा वो हम आपको बताएंगे कैसे। यहां बताओ बेटा, तो जल्दी, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, जो प्रेशर है वो नेट कितना है और नेट किसके कारण है? तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ, एफरेंट से ब्लड आया, कैपिलरीज में आया, वहां एक प्रेशर लगा पानी के कारण, दैट इज नोन एज बीपी, ब्लड प्रेशर। तो उसे ग्लोमेरुलस का था, तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर।
वो 60 MMSG है। उस ब्लड की ग्लोमेरुलस में ब्लड की प्रोटीन कह रही, ना जाओ भैया रुको, ब्लड की प्रोटीन कोलाइडल प्रोटीन कह रही है पानी से मत जाओ, फिल्ट्रेट से मत जाओ, दैट इज कोलाइडल ऑस्मोटिक। ब्लड की जो प्रोटीन है उस प्रेशर का विरोध कर रही है, पानी को रोकने की कोशिश कर रही है। तो ब्लड की प्रोटीन पानी को रोक रही है, ब्लड की प्रोटीन पानी को छनने नहीं दे रही, प्रेशर के अपोज में काम कर रही है, इसके अपोज में 32 MMSG है। ठीक, अच्छा, फिर प्रेशर छनकर आ जाता वुमेन कैप्सूल में, कुछ ये आ गया, छनकर आ गया, जब ब्लड छनकर यहां आ गया तो ये ब्लड कहता है इस ब्लड से, भैया हम यहां आ गए तुम मत आना, मतलब ये भी विरोध कर रहा है, समझिएगा जरा सा। इस ब्लड में रहने वाला पानी के प्रेशर के कारण ये ब्लड कहता हम छन रहे हैं, समझे, इस ब्लड की प्रोटीन कहती है मत छनो, यहां फिल्ट्रेट कहता है मत आओ, लेकिन हावी कौन है, इसका ब्लड प्रेशर 60 MMSG, विरोध करने वाला यहां 32, यहां 18, मिलाकर 50, इसके पास हैसियत 60 की, विरोध करने वालों के 50 की, जीता कौन, 60 वाला, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 10, सरकार बन गई। आज वोटिंग चल रही गुजरात में, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, मोदी ने बहुत मेहनत की है, बाप रे इतनी इतना तो कभी मोदी नहीं है जितना इस बार गए। बहुत गए भाई, बहुत गए, जीतना है चाहे जैसे जीते, लेकिन जुनून ऐसे ही होना चाहिए, अगले गंदर चाहे जैसा चुनाव हो कोई नहीं जाता था। हाँ सही है, कोई मुख्यमंत्री नोएडा नहीं आता था, मायावती ने नोएडा को विकसित किया था अपने समय में, और चुनाव हार गए तो हमने कहीं नोएडा हम नहीं जाएंगे, इतना बनाया और हरा दिया लोगों ने, अखिलेश आगे हम भी नहीं जाएंगे, हमारी बुआ हार गई तो हम भी हार जाएंगे, बाबा आगे हम तो जाएंगे, देखें कौन हराता है, कई बार गए, तो ये तो अंधविश्वास हो गया, वहाँ जाएंगे तो हार जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, तो शायद इसीलिए हार गए, तुम गए नहीं वहाँ, जाओ लोगों से मिलो। तो जैसे हमें देश का जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ पर कोई प्रधानमंत्री नहीं जाते, 5-6 मेघालय मणिपुर ये सब नहीं जाते कोई प्रधानमंत्री, मोदी ने सारे मंत्रियों की ड्यूटी लगा रखी है, हर महीने पहुँचोगे वहाँ, और खुद भी 17 बार जा चुके हैं, 17 times इन 8 सालों में, पगला आदमी है। अरुणाचल प्रदेश में इतनी सड़कें बना दी हैं, मत पूछो, कई जगहों पहली बार ट्रेन पहुंची है, हमारे बाकी देश के लोग सोचते थे जहां से व्यापार ज्यादा हो वहां पर विकसित करो, कम लोग रहते हैं वहां के, क्या करो वहां पर ठंड बनी रहती है, क्यों डेवलपमेंट करो, महाराष्ट्र को बनाओ, फिल्म इंडस्ट्री बनाओ, यहां से पैसा आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर नजरिया अपना अपना। तो फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना हुआ बेटा, 10 MMSG, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 MMSG, ब्लड में ब्लड प्रेशर के कारण GHP, ब्लड में प्रोटीन के कारण COP, फिल्ट्रेट के पानी के कारण CHP, ऐसे लग गया तो पानी, ब्लड में पानी, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और इसमें पानी, कैप्सूल का पानी बेटा, कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यहाँ ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक, कैप्सूलर और ग्लोमेरुलर, समझ में आई बात, ये इसके कारण पानी, यहाँ पानी, यहाँ 60, ये 18, ये यहाँ की प्रोटीन के कारण 32, टोटल नेट 10। जो छना उसे कहा नेफ्रिक फिल्ट्रेट,
नेफ्री फिल्टर में क्या है, कंटेन ब्लड है, सब कुछ छन गया एक्सेप्ट ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन। बोलो क्या छन गया, ब्लड का सब कुछ छन गया, क्या नहीं छना, ब्लड सेल्स नहीं आई, अब ब्लड की प्रोटीन नहीं आई, सब कुछ इसमें आ गया। व्हाट इज नेफ्री फिल्ट्रेट, बोलो, ब्लड माइनस ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन, बाकी सब आ जाएगा। अगर हम ब्लड में दो भाग बांट दें, सेल्स और प्लाज्मा, तो प्लाज्मा से क्या छन कर आया, क्या प्लाज्मा का क्या नहीं है, प्रोटीन, क्योंकि सेल तो हमने पहले टाच दिया। व्हाट इज नेफ्री फिल्ट्रेट, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, व्हाट इज नेफ्री फिल्ट्रेट, उसके पहले वाला ब्लड नेफ्रिक फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन वैसी जैसी ब्लड की है। क्या था ब्लड में, पानी आ गया, आर्मी मेटाबॉल से आ गए, ग्लूकोज आ गया, एमिनो एसिड आ गया, आयंस आ गए, टॉक्सिक आ गया, यूरिक एसिड आ गया, यूरिया आ गया, यूरोक्रोम, सब कुछ छन गया, क्या छोड़ करके, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन। किस लिए खाया था, निकाल दोगे, इसे बहा दोगे, चला जाएगा, इसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें प्रेशर ये लगा, ठीक। व्हाट इज जीएचपी, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। व्हाट इज सीओपी, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज सीएचपी, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कितना है, 60, 32, 18 नेट 10 mmHg, इतने ही रखेंगे आज, बाकी कल, क्यों बाकी कल वाला जो है बिल्कुल फ्रेश मूड में, री एब्जॉर्प्शन जो है वो बिल्कुल ताजे मूड में पढ़ेंगे, पहले इसको थोड़ा रीड कराएंगे। कल खत्म चैप्टर, कल चैप्टर खत्म, ऐसे रिस्पेशन दो दिन में पढ़ाएंगे, हाँ दो ही दिन का, तीसरा ही रखेंगे, दो दिन में रिस्पेशन करा देंगे, जिससे इस हफ्ते जेनेटिक्स भी करा पाएंगे।